सो वेलकम बैक ब्यूटीफुल फैमिली। ये हमारा डे टू था। हम निकल गए थे श्रीनगर से कारगिल के लिए। तो विलोहित, भाभी, शिवी सब हाय कर रहे हैं आपको, और मैं आपको रास्ते के व्यूज दिखाते हुए चलूंगी। ये देखिए, ये है श्रीनगर। हम गांदरबल ये पहुंच गए थे। श्रीनगर क्रॉस करके फिर आता है गांदरबल, अब हम पहुँच गए थे। और रास्ते में इतने खूबसूरत व्यू आ रहे थे ना, आप देख रहे हो ना, मतलब इट वाज लिटरली मेस्मराइजिंग। फिर ये रिवर आई थी। एक्चुअली श्रीनगर, यू नो, कश्मीर इज़ रिच इन वाटर रिसोर्स, इज़ रिच इन वाटर। एक्चुअली हर जगह नदियाँ आ रही थी और हर जगह आर्मी। हैट्स ऑफ टू आर इंडियन आर्मी। मतलब कहाँ, अभी आगे देखना लद्दाख में माइनस टेम्परेचर में दे आर सर्विंग अवर नेशन। मतलब प्राउड है मुझे कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ और हमारी आर्मी पे मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड है। तो फिर हम यहाँ रुक गए। खूबसूरत सी नदी थी तो हमने रुक के थोड़ी पिक्चर्स क्लिक कराई और फिर आगे निकल गए। और आप इन व्यूज़ को इन्जॉय करना। जब तक मैं श्रीनगर से लद्दाख पहुँचूँगी ना, मतलब नज़ारे तो इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे मैग्नेटिक हिल है, मूनलैंड है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पर अभी फ़िलहाल हम कारगिल के लिए जा रहे हैं जो कि लद्दाख में ही आता है। लद्दाख इज़ अ यूटी, यूनियन टेरिटरी, तो इट्स काफ़ी बड़ा है वो। लद्दाख तो काफ़ी बड़ा है, तो कारगिल भी लद्दाख में ही आता है। और ये देखिए, ये पहाड़ एकदम बर्फ से ढके हुए थे। मस्त ठंड थी, पर ठंड ऐसी भी नहीं थी कि आप इंजॉय नहीं कर सकते। मतलब ठंड ऐसी थी कि आप इंजॉय कर सकते। और ये देखिए, ये है शिप जिसको हमें ऊन देती है। तो ये वहाँ पर फार्मिंग भी होती है ना इसकी, तो शिप थी, तो कुछ गोट भी थी इसमें। तो मैंने जितना हो सके ना नेचर को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होगे। और ये बालटाल है, यहाँ से ना अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, तो ये भी मैंने रिकॉर्ड किया है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी खूबसूरत है। मतलब मुझे कश्मीर से लेके लद्दाख तक इतना प्यारा लगा ना। मतलब हमारा नॉर्थ इंडिया बहुत ही खूबसूरत है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ हमारा पूरा इंडिया ही बहुत खूबसूरत है। मतलब आपको, मतलब इंडिया में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना घूमने के लिए कि कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब सब कुछ है हमारे पास, वी आर रिच इन एवरीथिंग। सो ये देखो आप, कितना प्यारा व्यू है। और इन सब को हम इंजॉय करते हुए निकल गए थे कारगिल के लिए। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, हम गॉसिप भी कर रहे थे। फिर हम ये एक जगह रुके थे फ्रेश होने के लिए, तो मैं थोड़े से वीडियो बना रही थी। ऑलमोस्ट कारगिल हम ये पहुंच चुके थे, तो किसी को वॉशरूम जाना था, तो चिप्स और स्नैक्स लेने थे, बच्चे थे दो साथ में, तो इसीलिए हमें रुकना पड़ रहा था बीच बीच में। और बच्चों को लेके जब जाते हो तो थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। तो ये हमने काफ़ी सारा इन्जॉय किया, मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई। द्रास आया बीच में, द्रास क्रॉस करते हुए हम कारगिल पहुँच रहे थे। और काफ़ी सारे पीयूष ने भी खूब इन्जॉय किया। इनफैक्ट हम सब ने मिल के इन्जॉय किया। और आपका ग्रुपिंग अच्छा हो ना तो आप लिटरली बहुत इन्जॉय करते हो। ये देखो, भाभी और शिवी आगे आएंगी। और शिवी इतनी प्यारी बच्ची है, शी इज़ जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ वेरी क्यूट। मतलब इतनी अच्छी ट्यूनिंग मेरी इसके संग हो गई थी और भाभी के संग भी। बहुत ही प्यारे लोग हैं, मतलब ये हुए थे तो हमें ट्रिप में इतना मज़ा आया, अदरवाइज शायद इतना मज़ा नहीं आता हमें ट्रिप में। और क्या, बस हम निकल गए फिर आगे कारगिल के लिए। बस बच्चों को फ्रेश करा के हम निकल गए इन खूबसूरत वादियों में इंजॉय करते हुए। और ऑलमोस्ट हम कारगिल पहुँच ही गए थे। फिर हमने होटल लिया और चेक इन किया, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। आई होप आप ये व्लॉग्स इंजॉय कर रहे होगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।